नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले एससी वर्मा चैप्टर नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, इफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स नीडेड फॉर द टर्न इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज टू बी सप्लाइड बाय द नॉर्मल फोर्स बाय द रोड, व्हाट शुड बी द प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग। इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा कहाँ, क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्योंकि इन द प्रीवियस प्रॉब्लम बोला है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या इन्फॉर्मेशन था, तो एक तो स्कूटर था 150 केजी का विथ राइडर, इसका मास दिया हुआ था, रेडियस था कितना 30 मीटर, एंड यहाँ पे हॉरिजॉन्टल था, सरफेस जो था हॉरिजॉन्टल था। अब बोला है कि हॉरिजॉन्टल नहीं, क्या यहाँ पे बैंकिंग प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे बात किया जाए इसका, ये इस तरह से कुछ है, बैंकिंग यहाँ पे क्या है प्रोवाइड कर दिया गया। तो ये मान लेते हैं क्या, रोड जो है वो इस तरह से है ना, और ये उठा हुआ है पार्ट थोड़ा सा है ना, और ये जो एंगल है बैंकिंग एंगल, मतलब ये वाला जो है ग्राउंड वाला पार्ट है, हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट है, और ये इतना ऊपर उठा हुआ है रोड जो है। ठीक है, तो ये एंगल कितना है थीटा, गाड़ी यहाँ पे। ठीक है, तो अब बोल रहा है क्या, इफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स नीडेड फॉर द टर्न इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, तो कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स नीडेड था, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने निकाला था जो फ्रिक्शन फोर्स नीडेड था वो कितना था 500 न्यूटन। ठीक है, तो क्या करना है इसका, ये प्रॉब्लम इज टू बी सप्लाइड बाय द नॉर्मल फोर्स, बोल रहा है अब ये फ्रिक्शन नहीं सप्लाई कर रहा है, वो नॉर्मल फोर्स सिर्फ सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो अब देखना यहाँ पे कि अगर नॉर्मल फोर्स सप्लाई कर रहा है तो अब देखना है यहाँ पे कि बैंकिंग में क्या होगा। अब यहाँ पे फ्रिक्शन हम नहीं लेंगे, अब यहाँ पे क्या लेंगे कि ये नॉर्मल लग रहा है यहाँ पे, और क्या लग रहा है नीचे की तरफ, mg लग रहा है, बट ये क्या कर रहा है सर्कुलर पाथ पे आराम से जा रहा है, कितना से 10 मीटर पर सेकेंड से ये टर्न ले रहा है। तो क्या ये ऐसा पॉसिबल है कि बिना फ्रिक्शन के ये कांस्टेंट स्पीड से टर्न कर सके, आंसर इज यस, ऐसा हम लोग देखें है ना। बट यहाँ पे क्या है कि ये जो वैल्यू होगा ये फिक्स्ड वैल्यू है, तो इसके लिए फिक्स्ड बैंकिंग भी होगा, एक फिक्स्ड बैंकिंग के लिए एक फिक्स्ड स्पीड के साथ ऐसा किया जा सकता है, लेकिन अगर स्पीड कम या ज़्यादा करोगे तो ये नीचे या ऊपर स्पीड करेगा। अगर स्पीड ज़्यादा करोगे 10 से उस पार्टिकुलर थीटा के लिए तो ये ऊपर की तरफ स्पीड कर जाएगा, और अगर स्पीड कम करोगे तो ये नीचे की तरफ स्पीड कर जाएगा। तो यही डिसएडवांटेज है फ्रिक्शन नहीं होने के कारण। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन नहीं है तो रोड पे चला नहीं जा सकता, रोड पे चला जा सकता है, लेकिन अगर आप प्रॉपर सर्कुलर पाथ पे चलोगे तो एक कॉन्स्टेंट स्पीड आपको मेंटेन करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा या कम पे चलोगे आप तो आप स्किड कर जाओगे ऊपर या नीचे की तरफ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, रिजॉल्व कर लेते। तो ये देखिए हॉरिजॉन्टल से थीटा है, तो यहाँ पे नॉर्मल जो एंगल बनाएगा वो कितना से बनाएगा, वर्टिकल से थीटा। फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेता हूँ मैं, तो एक तो आ गया वर्टिकल में एन कॉस थीटा आ गया, हॉरिजॉन्टल में कितना आ जाएगा तो एन साइन थीटा आ जाएगा, एंड एन साइन थीटा ही ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है यही क्या होगा, सेंट्रिपिटल फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं, एक तो ये जो हो गया एन कॉस थीटा और mg वर्टिकली, तो ये कहीं ऊपर नीचे तो नहीं जा रहा, या प्लेन के पैरेलल भी नहीं जा रहा है ना, रोड के ऊपर नीचे भी स्लाइड नहीं कर रहा। तो हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, एन कॉस थीटा और mg दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो एक इक्वेशन क्या बनेगा, ऊपर वाला जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, नीचे वाला फोर्स। एक इक्वेशन और क्या बन सकता है, अब देखिए सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो एन साइन थीटा जो होगा, ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है यही हॉरिजॉन्टल सर्किल में चलने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, नेट फोर्स इक्वल टू mv² / r। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 / 1, तो 2 / 1 करोगे तो n से n कैंसिल आउट, तो इधर बचेगा क्या tan थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू इधर आ जाएगा कितना, mv² / r, एंड डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, mg। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, mv² / mgr, ये m से m कैंसिल आउट, मतलब क्या आ गया v² / gr, सबका वैल्यू पता है आपको। तो यहाँ से बैंकिंग ही निकालना है, तो
ये तो 10 था तो ये 100 हो जाएगा, डिवाइड बाय जी की वैल्यू भी 10 ले रहा हूँ मैं, एंड आर की वैल्यू आप प्रीवियस क्वेश्चन से ले सकते हो, आर की वैल्यू कितना था 30 था है ना, तो आर की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या रख रहा हूँ 30 रख रहा हूँ, तो ये गया ये गया ये गया ये गया 1/3, दैट मीन्स थीटा जो होगा एंगल ऑफ बैंकिंग जो होगा वो कितना हो जाएगा टैन इनवर्स 1/3। तो अगर बैंकिंग इतना है एंगल ऑफ बैंकिंग तो ये ऐसा पॉसिबल है कि 10 मीटर पर सेकंड से भी आराम से ये क्रॉस कर सकता है बिना स्केट किए हुए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 है ना, तो चलिए फिर हम मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के साथ।